बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का जो टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है डीएनए रेप्लिकेशन एंड बैक्टीरियम। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम्स। इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल फॉर्म में, और किससे मिलकर बना हुआ है? ये पॉलीमर है। और यूनिट्स, इसके जो सब यूनिट्स हैं, इसके जो मोनोमर है जिससे ये मिलकर बना है, वो है न्यूक्लियोटाइड। तो दोनों स्ट्रैंड पर जो है हमारे पास क्या मौजूद होते हैं? न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पढ़ा था कि हर न्यूक्लियोटाइड में बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। बेस चार तरह की होती है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो इस तरह हमारे पास चार तरह के न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। तो डीएनए जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है, जो इस स्ट्रैंड पर, दोनों स्ट्रैंड्स पर अरेंज हुए होते हैं। और ये भी हमने देखा था कि इस स्ट्रैंड पर जो न्यूक्लियोटाइड अरेंज हुए होते हैं उसके अपोजिट स्ट्रैंड पर क्या होता है। लाइक अगर इधर ए है, ए बेस रखने वाला न्यूक्लियोटाइड है, तो उसके अपोजिट स्ट्रैंड पर हमेशा जो है कौन से वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा, जिसके पास जो बेस है वो टी वाली होगी, थाइमिन होगी। इसी तरह अगर सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड है वो जी है, गुआनिन वाला है, तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड पर हमारे पास कौन सी वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, जिसके पास साइटोसिन वाला वाली बेस मौजूद होगी। तो इट्स मीन के जो न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास गुआनिन वाला, वो जी हमेशा सी के साथ बाइंड करता है साइटोसिन के साथ, और ए जो है एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो इनके अपोजिट स्टैंड पर यही वाली जो है न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे, जिनके पास जो है इनके कंट्रास्टिंग जो है बेस मौजूद होगी। तो इस तरह ये आपस में बॉन्डिंग करते जाते हैं, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब हमने कहा कि डीएनए हर सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है और सेल का साइज बहुत माइन्यूट होता है। लिहाजा नेचर ने क्या किया है कि इतने लार्जर मॉलिक्यूल को इतने छोटे से सेल में ये कैसे समाया होता है कि ये लार्जर मॉलिक्यूल क्वाइल फॉर्म में किसी एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, उसके इर्द गिर्द उसने क्वाइलिंग की होती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं लॉन्ग मॉलिक्यूल है, क्वाइलिंग कर रहे हैं प्रोटीन के इर्द गिर्द, ठीक है। क्वाइलिंग करने के बाद जो है क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाता है। ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम बेसिकली कलर्ड बॉडीज से वर्ड जो है डिराइव किया गया है, इसका मतलब है कलर्ड बॉडीज। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है, डीएनए क्वाइल्ड फॉर्म में मौजूद है, एक स्पेसिफिक शेप में जब आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्रोमोसोम की शेप है। क्रोमोसोम जो होते हैं लिहाजा किससे मिलकर बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अब जीन क्या थी हमारे पास, हमने कहा कि क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद होता है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के मॉलिक्यूल पर, ठीक है। तो हर सीक्वेंस जो होता है डीएनए के मॉलिक्यूल पर, स्पेसिफिक सीक्वेंस किसी एक खास ट्रेट या खास करेक्टर को कंट्रोल करता है किसी भी पर्सन की। तो ये एक लार्जर मॉलिक्यूल है, तो सैकड़ों जो है जीन्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम है वहाँ पर क्या होती हैं, जीन्स मौजूद होती हैं, और जीन्स जो होती हैं पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। मतलब एक जीन यहाँ पर मौजूद होती है तो सेकंड बिल्कुल उसके अपोजिट उसी जगह पर सेकंड वाले इधर मौजूद होगी, ठीक है। तो जीन्स जो होती हैं वो पेयर फॉर्म में मौजूद होती हैं और किसी भी करेक्टर को कंट्रोल कर रही होती हैं। और स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज नोन एज जीन, इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा है। सो डीएनए हमारे पास क्या है, एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरीज करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, किस फॉर्म में, जीन की फॉर्म में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो जीन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, हेरिडिटी का, ठीक है। और इसके बाद जो है ये तो था ओवरऑल इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप के बेसिकली क्या है, जो जीन और क्रोमोसोम है ये बेसिकली है क्या, ये डीएनए ही है। डीएनए जब क्वाइल्ड फॉर्म में आ जाता है तो क्रोमोसोम हमारे पास बनते हैं, और डीएनए का जो स्पेसिफिक सेगमेंट होता है जो कोड करता है किसी चीज को, वो हमारे पास जीन बना देता है। और ये सब कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे पास किसी भी सेल के न्यूक्लियस में इस फॉर्म में मौजूद होता है। अब हम आते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ। रेप्लिकेशन का मतलब है मतलब एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करना। सो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, यानी ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से दो एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस कर देना हमारे पास क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है।
लाइक इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारे पास पेरेंट डीएनए है, ठीक है, जिसकी हमने रेप्लिकेशन करवानी है। डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर मौजूद है, ए के सामने टी है, बी के सामने सी है, ठीक है, इस तरह आपस में इनकी बॉन्डिंग हुई हुई है। तो अब सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि इसका जो ये दोनों स्टैंड जो है इनके दरमियान, इनके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के दरमियान जो बॉन्डिंग है ये टूट जाती है, दोनों स्टैंड अलहदा हो जाती है। ये देखें दो स्टैंड अलहदा हो गए, ठीक है, पेरेंटल स्टैंड ये और ये, इनके दरमियान बॉन्डिंग टूट गई इनकी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के दरमियान। जब ये सेपरेट हो जाती है तो फिर क्या होता है, फोर डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड जिससे डीएनए मिलकर बना था वो फोर डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं यहाँ पर अरेंज होना शुरू कर देते हैं। अब ये स्टैंड अलहदा हो गया, ये स्टैंड अलहदा हो गया, दोनों पेरेंट स्टैंड, तो दोनों पेरेंट स्टैंड के सामने दोबारा से ये देखें आप, इसके सामने भी एक न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होना शुरू हो गए। इसके मतलब लाइक अगर इधर जी था सी था, जी जी था सी, तो इसके सामने कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड आके असेंबल हो रहा है और बॉन्डिंग कर रहे हैं, सी वाला जी वाला, ठीक है। तो ये सारा जो है इस तरह जितना जो स्टैंड अलहदा होता है पेरेंट का उसके सामने बिल्कुल जो है उसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड बन जाता है। इसी तरह दूसरा जो पेरेंट का स्टैंड था उसके सामने भी कंप्लीमेंट्री जो है एक बन गया है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एंड पे तो क्या हुआ, दो एग्जैक्ट कॉपीज बन गई हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। अब हमारे पास चार स्टैंड्स हैं, एक दो तीन चार, दो कॉपीज बनी है, हर कॉपी में एक ओरिजिनल स्टैंड है पेरेंट वाला और एक न्यू स्टैंड है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो ये पेरेंट स्टैंड है और ये पिंक में जो नजर आ रहा है ये न्यू स्टैंड है, ठीक है। तो एंड पे हमारे पास चार स्टैंड बेसिकली आ जाते हैं, यानी दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और ये एग्जैक्ट कॉपी है किसकी, पेरेंट की, क्योंकि देखें इसके सामने भी वही बेस पेयर लगी है जो बेसिकली यहाँ पर मौजूद थी उसकी कंप्लीमेंट्री, ठीक है। लेकिन बस क्या हुआ, दो कॉपीज बन गई है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के एंड पे क्या होता है, टू एग्जैक्ट कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी, और इनको हम बोलते हैं ये डाटा स्टैंड है। सो डाटा स्टैंड में एक पेरेंट स्टैंड होता है और एक न्यू स्टैंड, दोनों में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट कॉपी जो है वो प्रोड्यूस होगी, इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर अगर आप देखें पहले दोनों स्टैंड सेपरेट हुए, ये पेरेंट स्टैंड है, ठीक है। अब क्या होगा ये देखें, अब उसके अब दोनों पेरेंट स्टैंड के कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो है वो अरेंज होंगे और ये देखें अब न्यू स्टैंड जो है वो बनता जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो एग्जैक्ट कॉपीज आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। ये प्रोसेस आपको दिखाया गया इस डायग्राम में। तो इस तरह जो है डीएनए रेप्लिकेशन होती है और दो एग्जैक्ट कॉपीज जो है वो बन जाती हैं, हर पेरेंट स्टैंड के सामने जो है कंप्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है वो अरेंज हो जाती है और एग्जैक्ट कॉपीज बना देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैक्टीरिया, सिंगुलर फॉर्म में इसको बैक्टीरियम बोला जाता है। तो अगर देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है और ये बेसिकली क्या है, इसमें प्रोक्रियोट्स में आता है, यानी इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये देखें इसका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक सर्कुलर टाइप फॉर्म में जो एक डीएनए मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लाज्मिड दिखाया गया है, प्लाज्मिड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लाज्मिड को वेक्टर भी कहा जाता है। वेक्टर क्यों कहा जाता है, वेक्टर ऐसी चीज को बोलते हैं जो किसी फॉरेन चीज को जो है कैरी कर सके, ठीक है। लाइक इसके पास, प्लाज्मिड के पास प्रॉपर्टी होती है कि हम इसका जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको कट करके, ठीक है, उसकी जगह हम कोई दूसरा सीक्वेंस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। लिहाजा फॉरेन जो सीक्वेंस है, फॉरेन डीएनए का या जीन का सीक्वेंस है, ये अपने अंदर जो है वो इसको रख सकता है, लिहाजा इसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड एक्ट एज अ कैरियर ऑफ जीन, ठीक है, यानी अपने साथ जो है किसी फॉरेन किसी और ऑर्गेनिज्म की जो जीन है वो उसको अपने इसमें रख सकता है, मतलब उसको पेस्ट कर सकता है यहाँ पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसकी यूजफुल जीन जो होती है, पर्टिकुलर सीक्वेंस जो होता है उसके डीएनए का, वो हम सिलेक्ट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और फिर उसको जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम इंसर्ट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो इस तरह वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास फॉरन जो है जीन होती है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जीन होती है, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें एक काम जो है, यानी ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं, ये काम जो है वो किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह
किसी बैक्टीरियम में जो है फॉरन जीन इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। सबसे पहले फॉरन जीन इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जरूरी है कि हम जो डिजायरस जीन है जिसको जिसको हम बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करें ऑर्गेनिज्म में और फिर उसको सेपरेट करें। तो लिहाजा सबसे पहले ये देखें, ये ह्यूमन सेल है सपोज, ठीक है, उसके क्रोमोसोम का पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, उसको हम जो है, ये हमारी डिजायरस जीन है, ये येलो कलर में जो नजर आ रही होगी वो जीन है जो इंसुलिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल जो है बॉडी में मेंटेन करता है। अब ये हमारी डिजायरस जीन है, हम क्या करते हैं, इस डिजायरस जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद इसको क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं इस क्रोमोसोम से। इस तो आइसोलेट कैसे करते हैं, स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। वो इस सीक्वेंस को, इस जीन को स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, ये हमारे पास ये है हमारी डिजायर जीन आ गई है। अब हम इसको बैक्टीरिया में कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमने कहा था बैक्टीरिया के पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होते हैं लाइक प्लाज्मिड, जिसको हमने कहा था प्लाज्मिड वेक्टर का काम करते हैं, यानी फॉरन जीन को जो है कैरी कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड उसको सेपरेट करते हैं, प्लाज्मिड को उसी एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से इसको कट करते हैं। ये देखिए इसका सीक्वेंस हमने कट कर दिया, गैप क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी डिजायर जीन होती है उसको इस गैप में, इस जगह पर हम इंसर्ट करवा देते हैं। इंसर्ट किसकी मदद से करवाते हैं, उसके लिए भी स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं लाइगेज एंजाइम, वो पेस्ट करने का काम करते हैं। अब वो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, अब हमारे पास ये देखें इस फॉर्म में आ गया, जीन इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड। अब जीन आ चुकी है इस प्लाज्मिड में, अब इस प्लाज्मिड को दोबारा से हम किस में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, बैक्टीरिया में। अब हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है इसमें, अब इसके प्लाज्मिड के पास जो डिजायर जीन हमारी मौजूद है, बैक्टीरिया आफ्टर 20 मिनट्स जो है वो डिवाइड करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लिहाजा यानी दो एग्जैक्ट कॉपीज बना देता है। जब ये डिवाइड करेगा ये बैक्टीरियम, ठीक है, डिवाइड करने के बाद दो कॉपीज बना देगा। अब दोनों कॉपीज में देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, उसका जो प्लाज्मिड पोर्शन है, ठीक है, उसमें हमें ये अपनी डिजायर जीन देखें, यहाँ भी नजर आ रही है और यहाँ भी नजर आ रही है, जहाँ हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी कॉपीज बनती जा रही है। इसी तरह ये बैक्टीरियम जब आगे डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करेगा, दो दो कॉपीज बनाएंगे, तो जितनी भी आगे जो है इसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जितनी भी आगे कॉलोनी बढ़ेगी, उन सब में जो है जो डिजायर जीन की हमारी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके प्लाज्मिड में बैक्टीरिया के, वो मौजूद होगी। तो इस तरह हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ जो है डिजायर जीन जो है आ जाता है, और इस तरीके से जो है बैक्टीरिया जो है उसको उसमें जीन, फॉरन जीन कोई भी इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। अब ये हमारे पास ट्रांसजेनिक बन गया, क्यों, क्योंकि इसके पास जो है इसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसके पास फॉरन जीन भी मौजूद है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डिजायर जीन जो है सिलेक्ट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत इस्तेमाल है। इस तरीके से क्या होता है, लाइक इंसुलिन जीन अभी हमने की थी, तो इंसुलिन जीन जो है कम टाइम में लार्ज नंबर जो है इंसुलिन जीन का मिल जाता है और फिर मार्केट में जो है वो इजिली अवेलेबल होता है। ये आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि किस तरह कटिंग होती है किसी भी डीएनए सीक्वेंस की और कैसे उसकी पेस्टिंग होती है, ठीक है। ये देखें, ये एक हमारे पास सीक्वेंस है, कोवलेंट बॉन्ड है, अब हमारे पास एक एंजाइम आएगा, ठीक है, वो इनको कट कर देता है। ये देखें सीक्वेंस को कट कर दिया, ठीक है, ये स्टिकी एंड्स है, चिपक सकते हैं। फिर एक दूसरा एंजाइम लाइगेज है, वो क्या करते हैं आपस में जोड़ देता है, ये देखें लाइगेज फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्ड बना सकता है। यानी यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह जो है स्ट्रैंड जो है उसको कट भी किया जा सकता है, एंड्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं और फिर दोबारा से जो है दूसरे एंजाइम लाइगेज की मदद से है उसको पेस्ट भी किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने डीएनए जीन क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन को देखा कि कैसे होती है, और फिर हमने बैक्टीरियम को देखा कि कैसे किसी बैक्टीरिया में फॉरेन जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।